हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज शालिनी रावत। और आज हम आए हैं सारे चोपता में। चोपता घूमने का हमारा कब से प्लान था मगर हम आ नहीं पाते थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज चोपता घूमा जाए। और बंदर कहाँ गया? बंदर भी पीछे से देख रहा है, भागती हूँ यहाँ से। जिस जगह में हम रुके हुए हैं ये सारी यहाँ पे इन्होंने जो है कूड़ा फैलाया हुआ है और बॉटल्स हैं शराब की, बियर्स वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या है। तो प्लीज़ यार ऐसे गंदगी तो मत फैलाया करो कम से कम। सब जगह देखो यही हाल है। अभी हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भूख लग गई है और हम लोग कुछ भी ट्रैक या कुछ भी ऐसी चीज़ लेके नहीं आए। और यहाँ पे जो है थोड़ा ठंडा है, यहाँ पर जो है डिस्कशन चल रहा है क्या खाना है। शानू मैगी खा लेते हैं, थोड़ा मैगी खाने को हम दोनों को चाय नहीं पीनी है मगर दो मैडम है हमारे साथ, विलायती मैडम क्योंकि मैडम को पीनी है चाय। हमारी मैगी आ गई है, अब हम खाएंगे मैगी गर्मा गर्म। सो हम आए थे चोपता और हमने सोचा कि तुंगनाथ चल लेते हैं, तो अभी हम चढ़ रहे हैं तुंगनाथ की चढ़ाई। लेकिन पता नहीं पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते, जो ये सम्मी है पीछे इसको थोड़ा, ये तो 10 बार जो है जा चुका है यहाँ, तो इसलिए थोड़ा इसको दिक्कत है, इसलिए इसके पाँव में दिक्कत है, पाँव में भी दिक्कत है। तो देखते हैं कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे पूरा तुंगनाथ। बहुत अच्छा सीन है पीछे, बहुत प्यारा लग रहा है यार, सुंदर। थोड़ा जुखाम भी लग गया है क्योंकि हम गए थे उसमें कहाँ, नदी में, थोड़ा झरने में उसका पानी भी पिया, बहुत ठंडा था उसका पानी, इसलिए जो है जुखाम भी लग गया है। गोली खा खा के घूमने निकल रखे हैं घर से बाहर। एक बुड्ढा जा रहा है हमारे साथ, सम्मी बुड्ढा थक गया है पूरा। प्लांट्स छोड़ तू, चल आगे चल चल, बहुत अभी ऊपर चढ़ना है। अरे यार इसको क्यों बता दिया तूने प्लांट, सम्मी अभी यही चिपकी रहेगी यार, ये घुमाने चलेगी ऊपर। निकी आ जा वीर, तुम बड़े चलो आगे, क्या है हाँ ये चल कम रहे हैं और भूख ज्यादा लग रही है इन्हें, है इस घोड़े की क्या कटिंग है बालों की, वाह 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 वाह। ये इस सम्मी का ध्यान सिर्फ खाने में, इस सम्मी का ध्यान और ये गिरा था और कहा मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने भी नहीं देखा, ये पता नहीं कब गिरा मेरे तो, मतलब ये वाला सीन वॉच के साथ नजर हटी दुर्घटना घटी। मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो कब गिरा। ये जो तुंगनाथ मंदिर है बहुत ऊपर है, मतलब उस साइड जो जाएंगे बहुत ज्यादा ऊंचा है, ये सम्मी बता रहा है हमें। ये तो 10 बार जा चुका है यहाँ पे, लेकिन हमने सोचा क्योंकि हमें थोड़ा टाइम बाउंडेशन है, घर भी जल्दी जाना है, तो हमने सोचा है कि घर जल्दी जाएंगे क्योंकि नीचे भैया भी, ड्राइवर भैया इंतज़ार कर रहे होंगे। और इतना अच्छा बुग्याल है यहाँ पे, आलू का पराठा भी तो खाना है। हाँ बस खाने पे इसका ध्यान है, ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये खाने पे इसका ध्यान है, इसको आलू पराठा खाना भी नीचे जाके। तो मंदिर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा है और बारिश होगी तो फिर ख़राब हो जाएगा सीन, तो इसलिए हमने सोचा है कि यहीं से हम जाएंगे क्योंकि बहुत दूर भी है ऊपर। क्या आई क्या आई, बोल क्या आई, अब बोल बोल जल्दी बोल क्या हुआ, जल्दी बोल क्या हुआ, बोल साल घर में क्या पिछल से चल के आया मतलब भागते भागते, अरे ओले भी तो हमने ना एक बार तो ओले गिर रहे थे और वाश हमने वो पहना था रेनकोट, हाँ रेनकोट में वो प्लास्टिक वाला बहुत त्रिपाल त्रिपाल तो वो पहना था हमने, तो जब हम नीचे आए ना तो ओले गिर रहे थे, तो हमने ऐसा पकड़ लिया क्योंकि सर पर टम टम बज रहा था, हमने वैसे पकड़ लिया, तो हमें ध्यान नहीं रहा कि उसके जो बाजू रहते वो थोड़े से क्या रहते लूज रहते, तो वो ओले जाके इकट्ठा हो गए हमारे यहाँ, ठीक है।
तो उसके बाद दो दिन तक हमने समझा नहीं हमारे कंधे भी हैं बचावा है रे ऊपर से नीचे तक आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया था ऊपर से लेकर नीचे तक आधे घंटे में कंप्लीट कर दिया था तो ये तो बहुत ऊपर है यार सच में बहुत ऊपर है आधे घंटे में इतने तेज भागते हुए आए ना हम लोग क्यों निशादा कहती थी निशादा है किचे मतलब परेशानी दिक्कत तकलीफ स्लिप होते होंगे इधर ना बारिश में ना ऐसा नहीं रे रास्ता तब तू क्यों गिरा था बिना बरसात के गिर गया उधर घुटना फूट गया लोग उड़े होते होते गिर गया अरे अरे सम्मी मेरे तो देखा ही नहीं था गिरते हुए लोग ऊपर चढ़ रहे हैं वहाँ पहाड़ हम यहाँ चॉकलेट लेज वगैरह खा रहे हैं नीचे सीन देख रहे हैं कौन गिर रहा है कौन थक रहा है हाय रे टाइम की बंदगी क्या बोलते उसे इतना अच्छा है ना यहाँ पे मतलब सीनरी वगैरह जो भी है लेकिन अफसोस कि हम इतना पास आके भी नहीं जा पा रहे हैं ऊपर होता ही ऐसे बुलावा नहीं आया होगा अभी भगवान का तो इसलिए आएंगे नेक्स्ट टाइम कभी टाइम से आज टाइम पे ज़्यादा हो गया 3 तो हमें यहीं बज गए नीचे बुग्याल में ही तो फिर पॉसिबल ही नहीं है मतलब कहीं से भी कुछ भी करो क्योंकि घर भी जल्दी जाना है कुछ काम भी है तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इसलिए सोचा है थोड़ा टाइम यहीं पे स्पेंड कर लेते हैं बुग्याल पे और उसके बाद चलते हैं नीचे सो ब्यूटीफुल यार मतलब मन ऐसा कर रहा है कि यहीं रह लें इतना खूबसूरत लग रहा है ना ऐसे कैमरे में तो नहीं आ पाता है जो मतलब आँखों से जो चीज़ें हम देखते हैं वो कैमरे में बात नहीं आती है मगर सीरियसली जो यहाँ से व्यू हम लाइव व्यू जो देख रहे हैं ना यहाँ से बहुत सुंदर है यार बहुत ज़्यादा सुंदर ये तो कुछ भी नहीं है बहुत आगे आगे साइड भी है उस साइड भी है बहुत प्यारा है डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुन पहाड़ों में ये चीज अच्छी है कि जगह जगह पानी मिल जाता है ये यहाँ पे बुरास का पेड़ है जब फूल खिलते होंगे तो बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ पे क्योंकि सब जगह बुरास के पेड़ हैं यहाँ पे डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे तुंगनाथ तो जा नहीं पाए इसलिए हमने सोचा था कि हम ओमकारेश्वर जो मंदिर है वहां पे आएंगे तो ये है मंदिर ओमकारेश्वर तो ये है ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में ओमकारेश्वर मंदिर पिक्स हम आपको अंदर मंदिर की नहीं दिखा सकते क्योंकि अलाउ भी नहीं है और दिखाना भी नहीं चाहिए भगवान की फोटोज जैसे यहाँ पे पंच केदार के दर्शन हो जाते हैं है ना
और यहाँ पर जो केदारनाथ भगवान जी हैं वो 6 महीने के लिए फिर यहाँ के उनके दर्शन होते हैं। हाँ। 6 महीने वो केदारनाथ में दर्शन देते हैं, फिर 6 महीने बाद वो फिर ओमकारेश्वर में दर्शन देते हैं। अच्छा, तो वो है ये मंदिर जहाँ पे 6 महीने में केदारनाथ भगवान के दर्शन होते हैं। हाँ। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी हैं, यहाँ पे चंडिका देवी का मंदिर भी है। हाँ, बहुत सारे भगवान के मंदिर हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे एक उषा और अनिरुद्ध का विवाह स्थल भी है। हाँ, मंडप भी है, उषा एंड अनिरुद्ध का विवाह स्थल। हाँ, देखा हमने मंडप जो था ना वो नीचे। हाँ हाँ, तो वो भी है यहाँ पे। तो अच्छा है वैसे, काफी मतलब जैसे गाँव वाली जो फीलिंग आती है तो पूरी है यहाँ पे, है ना। वैसे छोटे छोटे बने हुए हैं, पत्थर पुत्थर के बने हुए हैं। भैरवनाथ जी का मंदिर भी है, बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं। हाँ, तो अच्छा है वैसे यहाँ पे आना। कोई वैसे दूर नहीं है, बस रोड के पास ही है जस्ट, तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि चढ़ाई में चढ़ना है या कहीं चढ़ना है। तो जिसको भी जो भी आए तो थोड़ा यहाँ पे दर्शन करके जाए। ये है इसका एंट्री गेट। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल रॉयल जैसा है ना। अभी पूजा चल रही है लेकिन रात बहुत हो गई है, इसलिए अब हमें निकलना पड़ेगा। हमें जल्दी घर भी पहुंचना है तो हम निकल रहे हैं। बाय बाय। हम तुंगनाथ तो नहीं गए, यही कर दिया हमने दर्शन, लेकिन हमने यही सब भगवान के दर्शन कर दिए। शॉर्टकट रास्ता अपनाया हमने और सारे भगवान हमको यही मिल गए। वाह,